Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक। आज हम रिव्यू करेंगे शिकारा फिल्म का ट्रेलर जो बिना धूम धड़ाके के साथ सिर्फ ऑनलाइन रिलीज कर दिया गया। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक शादीशुदा जोड़े से, जब दोनों बात कर रहे होते हैं तो दिखाया गया है कि एक घर जल रहा है और जबी उसी समय कुछ हमलावर उसी घर पर हमला कर देते हैं। फिर ट्रेलर आगे बढ़ता है जो दिखाता है कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर किए गए शोषण के बारे में है, कि कैसे उग्रवादी हिंदू पंडितों को कश्मीर में रहने ही नहीं देना चाहते थे। और यह बात 90 के दशक की है जब 4 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल दिया गया। पूरे ट्रेलर में कश्मीरी पंडितों के ऊपर किए गए जुल्म और उनका कश्मीर से बाहर निकाले जाने को दर्शाता है। हाँ, ट्रेलर में कश्मीरी पंडितों का कश्मीर के लिए प्यार और जज्बे को भी दर्शाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में ही दिखा दिया गया था कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इस बार विधु विनोद चोपड़ा ने नए कलाकारों को लिया है जिनके नाम सादिया और आदिल खान है। विधु अपने डायरेक्शन और अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इनके बैनर तले बनी फिल्में जैसे 3 इडियट्स और PK काफी बड़ी हिट साबित हुई थी। फिल्म के साथ एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई जिनमें विधु ने यह फिल्म अपनी माँ को डेडिकेट की है, जिसमें दिखाया गया है कि उनकी माँ कश्मीर छोड़ने के बाद साल 2000 में जब मिशन कश्मीर की शूटिंग के दौरान वो कश्मीर में आती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यह फिल्म विधु के जीवन और उनके परिवार के साथ जो हुआ उसी पर आधारित है, क्योंकि विधु खुद जम्मू और कश्मीर से हैं तो यह तो समझा ही जा सकता है। बात मुझे अटपटी जब लगती है क्योंकि इन सब्जेक्ट पर बनी फिल्म इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों रिलीज होती है, और खासकर जब पूरे देश में आंदोलन का माहौल जारी है। खैर, ये तो फिल्म मेकर्स ही बेहतरीन जान सकते हैं। विधु बेशक एक बेहतरीन राइटर और डायरेक्टर हैं। उनकी आखिरी फिल्म जो कि एक इंग्लिश फिल्म थी जिसका नाम था ब्रोकन हॉर्सेस, जो साल 2015 में रिलीज हुई थी और काफी पसंद भी की गई थी। अब देखना यह है कि उनका डायरेक्शन और नए कलाकारों की एक्टिंग फिल्म को कितना हिट कर पाती है। यह फिल्म 7 फरवरी मलंग के साथ रिलीज होगी और हम आशा करते हैं कि फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आए। और इस फिल्म के रिव्यू को जानने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही हम आप तक तानाजी और छपाक कम रिव्यू भी लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए दिल्ली दस्तक के साथ। जय हिंद।